हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस एच यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अ प्रोटॉन अलाउड टू फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच। द टाइम फॉल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम फॉल द प्रोटॉन एच। इलेक्ट्रॉन टाइम कंपेरिजन टाइम फॉल अ प्रोटॉन। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक फिगर बनाइए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वर्टिकली अपवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड ई है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये, और ये रेस्ट में है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का ई, बट हम यह मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसलिए ई इंटू कैपिटल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफ ई बराबर कितना, ई ई। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो बहुत वीक होगा, तो उसे इग्नोर कर देंगे, इसलिए इसको ही नेट फोर्स मान लेते हैं, एफ ई बराबर ई ई, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन ई ई। एक्सलरेशन इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सलरेशन है वो ई ई अपॉन एम ई। देखो फोर्स कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट, तो ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम मोशन की तीन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा उसने कहा है कि ये एस डिस्टेंस चल लेता है, एस डिस्टेंस जब ये गिर गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको टाइम जो लगा वो टी ई, तो टाइम पूछ रहा है, तो इन इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट हो गया एच, नीचे की दर्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट हो गया एच, इनिशियल एस टी 0 है, प्लस हाफ एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ई ई ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड केस जो उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन को रिवर्स कर दीजिए, बट मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब एक प्रोटॉन को, और ये भी इनिशियली रेस्ट में है इसीलिए इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसे छोड़ा जाए तो जैसा कि इस पर चार्ज होता है वो प्लस का ई, इस पर चार्ज होता है वो माइनस का ई, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर नीचे ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नीट्यूड ई है, तो एफ ई इज इक्वल टू, इस पर भी ई इंटू ई लगेगा। सिमिलरली ये भी कितना हाइट अटेन कर रहा है, गिर रहा है नीचे एच, तो इसे कितना टाइम लग रहा है आपका टी पी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सिमिलरली कहें तो इसका जो एसेलरेशन होगा बिल्कुल सेम करेंगे आप, तो इसका जो एसेलरेशन होगा प्रोटॉन में वो ई ई, फोर्स तो सेम है और मास ऑफ प्रोटॉन आएगा बेटा यहाँ, और ये भी कॉन्स्टेंट ही है। इसमें भी आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी यही ऐसे लगाएं, तो डिस्प्लेसमेंट एच कॉन्स्टेंट है, आप ये भी इनिशियली रेस्ट में है, हाफ ई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टाइम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर।
अब देखो ये एच और ये एच सेम है तो दोनों को इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हाफ ई ओवर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास इंटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ ई ओवर प्रोटॉन का मास इंटू टाइम ऑफ प्रोटॉन, ये से कैंसिल हो गए थे। अब इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है और ये प्रोटॉन का जो टाइम है इसको बदलने हैं तो एम ई ओवर एम टी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो टी ओवर टी पी इज इक्वल टू रूट के अंदर एम ई ओवर एम पी, ठीक तो किया। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो देखो डिक्लिनेशन आ रहा है एक तरह से, दिख रहा है टाइम प्रोटॉन का मास प्रोटॉन के साथ दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के साथ दिख रहा है, तो उस वाली सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जिसका मास कम होगा उसका टाइम जो है वो कम लगेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन द टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज स्मॉलर, या ऐसे लिख सकते हो और कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो छोटा है एज कम्पेयर टू, बहुत छोटा होता है प्रोटॉन से, इसलिए एम ई अपॉन एम पी लेस देन 1, और इसकी जगह पे अगर हम रूल लगा के भी लिख दें इसको तो इसको लिख सकते हैं हम टी ई लेस देन टी पी लेस देन 1, सो इसे लिख सकते हैं हम टी ई लेस देन टी पी, इसलिए इसकी जो चॉइस होगी वो ए होगी। अब इसमें ये 5 टाइम ग्रेटर, तो ग्रेटर तो है ही नहीं है, स्मॉलर है, 10 टाइम्स ग्रेटर तो निकालने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर वर्ड यूज ही नहीं करना, ये स्मॉलर होता 5 टाइम्स स्मॉलर तो सोचते हैं इसको निकालने की, जब पहले से मालूम पड़ गया है स्मॉलर है तो फिर ग्रेटर कैसे, तो निकालने की जरूरत नहीं है अगर, क्योंकि अगर 5 टाइम्स आ भी गया वैसे तो आएगा नहीं, तो ग्रेटर वर्ड यूज़ हो रहा है, इसमें भी ग्रेटर वर्ड यूज़ हो रहा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसकी चॉइस हो गई ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।